हो जाएगा मेरी शादी में। लेकिन रोटी रोल बनाती हूँ कड़क है बहुत। तो होपफुली कल मैं और वो जाके कपड़े और सब शॉपिंग करके आने वाले हैं। ब्लॉग कर ही नहीं सकते, मेरे घर वाले पीछे बहुत मेरे फेस पे अच्छे से ऑयल मसाज की है। लाइक मैं वीक में एक बार फॉर श्योर अपने फेस पे अच्छे से ऑयल मसाज करती हूँ, उससे आपको ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आती है। सो पागल है मेरी नाइन पूरी, बाहर भी लोगों को बता देती है कि मैं पागल हूँ। फाइनली मेरा पार्सल रिसीव हो गया जो मैंने क्रिसमस के लिए मंगाया है। बेसिकली दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ फॉर खुशी, बट स्टिल आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। अगर इसके टॉप्स या क्वालिटी अच्छी निकलेगी इस ब्रांड की, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, तो मैं फॉर श्योर इसका हॉल ज़रूर से करना पसंद करूँगी। हाई गाइज वेलकम बैक, और आज है 25th of December, सो आज है क्रिसमस। सो आज के दिन हम लोग जब बहुत छोटे हुआ करते थे तो मम्मी और आंटी मिलकर हम लोग को पार्टी देती थी, बट अभी भी हम लोग पार्टी लेते हैं। सो आज शायद अंकल पार्टी देने वाले हैं, लेट्स सी, कोई ना कोई तो फॉर श्योर देगा। एंड आज सब क्लीनिंग एंड ऑल का टाइम था, तो आज सब क्लीनिंग एंड ऑल की है। एंड लुक हियर, ये मुझे तीन जगह एक साथ ऐसे चोट लगी हुई है। मैंने आज भरपूर ऑयलिंग की हुई है, नानी ने गांव से तेल भेजा था, तो वही ऑयल को हम लोग रोज़ लगा रहे हैं बिकॉज हेयर फॉल बहुत होता है। सो क्या, चलिए फटाक से अभी मैंने पास्ता बनाया, पास्ता नॉल एंजॉय करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। चलो तो हे गाइस, मैरी क्रिसमस फ्रॉम मी शिवांगी दुबे। पर अभी हम लोग जा रहे हैं आंटी के घर पे, बिकॉज आज अंकल हम लोगों को क्रिसमस पार्टी देने वाले, पीछे मम्मी है, यहाँ पे खुशी है। सो आज मैंने बालों में ना भूल से ऑयल लगा लिया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है ऑनेस्टली, क्योंकि आज क्रिसमस है, मुझे पोस्ट भी डालना था क्रिसमस का। तो कोई नहीं, अब इसी में मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ तो भी। सो यार चलिए फटाक से चल के आते हैं। इतना उदासी क्यों है तेरे मुँह पे? क्यों आंटी नहीं आई ना? आ रही है, जस्ट हम लोग घर पे, और अंकल आंटी है ही नहीं, पार्टी देने वाला इंसान सेंटा क्लॉज ही गायब है। अरे फोन रख के इसलिए ऑर्डर कर देना है। कितने बजे पे आंटी और खुशी और गिरीश और खुशी चाय बना रही है? अच्छी बनाती हूँ मैं, सिर्फ एक चाय तो अच्छी बनाती हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हूँ कुछ भी। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैगी की रेसिपी पता है, और रोटी भी मैं गोल बनाती हूँ, बाकी कुछ नहीं। रोटी गोल बनाती हूँ, कड़क बनाती हूँ, कड़क बनाती हूँ, मैगी बनाती थी भूल गई, मैगी भूल गई। खुशी के हाथ की रोटी कैसी होती है? तू बहुत बेकार, कड़ा चला, ये फंस गया सी है। बेकार मतलब बेकार होती, गोल गोल होती है, पर खाने लायक तो नहीं चाहिए, इतनी कड़क होती है। तुरंत खाओगी घी लगा के तो अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत ही खाया तो फिर पनीर की भाजी। तो इसको खत्म करो, 15 रुपीज़। हाँ जी, इसको उठा ले, हम लोग खाया नहीं जा रहा, तुम लोगों को पाप लगेगा, याद रखना। 15 रुपए की बात है, एक एक बाइट में पैसा काटते जाना। ऑर्डर कम बढ़िया, 5 रुपए थोड़ी ना खा सकते। 3 बाइट का है नहीं बाबा, मैं तो होता एक बाइट। हाँ 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 हाँ, तुम ताजमहल भी अपना बोले तो अब माल नहीं किया। रहने दे, तू उल्टी पुल्टी कर देगा। गुड वन, गुटक ले, खत्ता गटक ले, गटक ले, धीरे 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 चबा के खाना, चबा के खाना। थैंक यू फॉर द ट्रीट, इट वाज नाइस। मतलब ये भी बाकी था हमारा, हमारी तू भी चल रहा है। बाय आंटी, बाय आंटी, बाय बेटा, बाय गाइस। 31 को तू आना, 31 को सब अपने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएंगे। तू भी जा रहा है 31 तारीख, 31 तारीख रात को 12 बजे। उसके बाद कोविड आ गया। हम लोग जा रहे हैं घर पे, और आज बहुत ठंडी लग रही है, पता नहीं क्यों। ओके गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैंने आपको जो क्लिप्स दिखाई वो है पूड़ी एंड सब्जी की। तो आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक मैं आपको गिनती से बता सकती हूँ, 3-4 महीने बाद आराम से आज मैं
पूरी खाने वाली हूँ। मम्मी बनाई है आलू मटर गोभी की सब्जी एंड पूरी, एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस, तो चलिए फटाक से इंजॉय करते हैं, और मैं साथ ही साथ अपनी इंस्टा स्टोरी भी डालूँगी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है अंदर से कि मैं आज पूरी खाने वाली हूँ। या सुपर एक्साइटेड। तो हाँ ब्रो, ओके ब्रो, नमक और पानी। ओके सो मैं खाने जा रही हूँ अपना फर्स्ट बाइट, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड यार, मुझे पूरी सब्जी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। कल मैंने आपको प्लान ही नहीं बताया, तो कल मुझे जाना मेरी फ्रेंड पूर्वा के साथ लोखंडवाला को शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज उसका बर्थडे 28th of December, एंड तक उसने बर्थडे के कपड़े लिए नहीं है, तो होपफुली कल मैं और वो जाके कपड़े और सब शॉपिंग करके आने वाले हैं, एंड साइमल्टेनियसली मैं खुद के लिए भी थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लूँगी। उससे एक्चुअली मैं उसको फटाक से इन्जॉय करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सॉरी पापा आइसक्रीम लेकर आए, मैं आइसक्रीम इन्जॉय करी, खुशी सो रही है, और मेरे लिए फ्लैश लाइट ऑन किया है, बहुत अच्छा भाई है मेरा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और अभी जिस पूर्वा का कॉल आया था उसके कॉल से मैं उठी हूँ, और 12:30 तक मुझे निकलना है उसके साथ। सो तो चलिए फटाक से उठते हैं। कल रात को बहुत लेट सोई थी, मुझे एक वीडियो एडिट करनी थी व्लॉग, तो उसको एडिट करके फिर मैंने मॉर्निंग में भी एडिट किया थोड़ा सा, उसके बाद मैं सो गई। तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी फ़िलहाल के लिए, बट इसलिए मुझे उठना पड़ेगा, फिर उसको 12 बजे तक कैसे भी करके पूर्वा के पास पहुँचना है, मैंने बहुत लेट हो जाएगा आने जाने। सो आ गई, मैंने बर्तन किचन एंड ऑल सब कुछ कर दिया, यहाँ पे भगवान जी के बर्तन भी धो के रख दिए हैं, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में इडली बनाई है। सो यस, मैंने इडली भी बना दी है, कोकोनट चटनी एंड एवरीथिंग सब कुछ रेडी कर दिया है। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बिकॉज लेट हो रहा है, मुझे 11:30 को निकलना था ताकि मैं 12 तक वहाँ पहुँचूँ पूर्वा के पास, बट मुझे बहुत लेट हो चुका है। सो आई थिंक 12:00 को मैं निकलूँगी, एंड 12:30 तक आई रीच दे। सो यस, चलिए फटाक से चलते हैं। तो ये आगे से अभी मैं निकल रही हूँ फटाक से, मम्मी वहाँ पे खा रही हैं, और मुझे फटाक से निकलना है बिकॉज 12:30 के ऊपर हो चुका है। सो यार दे दो खुशी, अब थ्रो दिस। ओके तो यार चलिए बाय। भी नहीं किया, आज एक वीडियो डालूंगी इस पे तू है ऑर्डर कर ले। सो अभी जिस टाइम लोग पहुंचे हैं और वो ऑर्डर कर रही है, एंड आई एम वेटिंग कि कुछ तो ऑर्डर करे, बट वो व्हाट्सएप चला रही है, उसके वो खा पी के उसके बाद ही शॉपिंग स्टार्ट करेगी, उसके पहले नहीं करेगी, बोलती पहले कुछ खा, पूरा कुछ बोलती नहीं है, बस खाली वीडियो में स्माइल करती। यू वांट आई आस्क फ्रॉम यू सो मेनी टाइम्स नाउ। हाँ इसकी बिलिंग करनी है। निशा में कड़ा क्या बोल, तू ही खिला देना मेरे को। बर्थडे पूर्वा का है, बट वो पेस्ट्री मुझे खिला रही है। So, Purva left for everything and I'm going at my home because it was late, so I took everything for Amar and Kushu, whatever was needed. I just don't know if my voice is coming or not, but still I'm speaking. But after girl posh, I have to upload the sound and voice over and upload it. I have to make a thumbnail and all, but I have to make a reel on Insta. So, I am just trying to reach fast home and mask up and let it go. गाइज, और मैं आपको दिखाती हूँ, आज हम लोग का बहुत ज़्यादा मन था बर्गर खाने का, तो वी हैव ऑर्डर दैट। ओके सो वी हैव राइट हियर, सो वी हैव बर्गर एंड चीज़ी फ्राइज आई गेस, या कोल्ड ड्रिंक निकाल दी है, एंड फटाक से इसको इन्जॉय करेंगे। एंड आई वाज क्रेविंग फॉर बर्गर लिटरली फॉर सो लॉन्ग, एक्चुअली आई एम क्रेविंग फॉर एवरीथिंग नाउडेज बिकॉज डाइट नीड। Okay, so we have some cheesy fries. ऑलराइट यू गाइस, अभी जस्ट मैंने मेरा स्किन केयर कम्प्लीट किया, मैंने फेस वॉश किया अच्छे से, और उसके बाद मैंने स्किन केयर एंड ऑल किया जो भी मुझे लगाना था, सीरम मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग। नाउ आई एम डन, आई एम गोइंग टू टेक अ गुड स्लीप, और मैंने साइड में से हेयर्स कर लिए हैं, मेरे बाल थोड़े थोड़े मोटे हो रहे हैं अब हल्के हल्के से, जो मुझे भी देख के ऐसे फील होता है। सो यस, मैं आपको मिलती हूँ कल, और कल मॉर्निंग में। सो या बाय बाय, गुड नाइट।
गाइस वेलकम बैक। और आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, जैसे मैंने कल कहा था मैं व्लॉग करूंगी, पर आज कुछ इतना इंटरेस्टिंग था नहीं। मुझे एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ शूट्स करने थे तो वो मैंने किया आज। और अभी जो विंटर्स का सबसे ज़्यादा महान काम होता है, एक वो होता है गाजर छीलना, क्योंकि गाजर का हलवा खाना होता है वो मैं करती हूँ, और मटर छीलना वो मम्मी का काम होता है। तो मतलब ह्यूज क्वान्टिटी में मम्मी मटर लेकर आती हैं, एक ही बार छील के रख देती हैं, विच इज़ टू मच। और पीछे आपको मम्मी के सीरियल की आवाज़ आ रही होगी सीरियस। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो मैंने मम्मी का ये दुपट्टा ऐसे ही पूरा डाला हुआ है। मेरे घर में किसी को इतनी ठंडी नहीं लगती सिवाय मेरे, तो चले मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है मॉर्निंग 7:30 एंड मेरी आवाज़ एक्सट्रीम भारी हुई पड़ी है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है। लाइक 6:30 के अराउंड मैं इतनी परेशान हूँ स्नीजिंग से, आई कैन नॉट इवन टेल यू। और अभी मैं उठी हूँ खुशी को 8:30 को निकलना है क्लास के लिए, उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सो आज तो बहुत सिंपल सा काम है, रोज़ तो कुछ ना कुछ है बेक, बट आज उसने बोला कि उसको कैनॉक्स खाना है, तो दैट इज़ वेरी ईजी, से दूध गर्म करना है एंड ऑल। सो या एंड सोच रहा अपने लिए चाय बना लूँ, बिकॉज मेरी नोज ब्लॉक है दोनों भी एकदम से, एंड मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सो या आई एम गोना हैव वाटर, खुशी ने गर्म पानी किया है। सो मैंने खुशी बोला था गर्म पानी करने के लिए, उसने कर दिया। सो आई विल हैव दिस। यूजुअली मैं गर्म पानी बिल्कुल नहीं पीती, मुझे बहुत अजीब लगता है, बट अभी के लिए पीना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा मुझे नेक में, बिकॉज मुझे बहुत इचिंग हो रही है। सो झाड़ू पोछा एंड एवरीथिंग सब कम्प्लीट कर दिया घर का। यूजुअली खुशी करती है, बट जब उसको क्लास जाना होता है तो मैं करती हूँ, एंड नाउ खुशी इज गोइंग टू लीव। तो खुशी तो जा चुकी है, मेरे लिए पूरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं फटाफट सारे बर्तन क्लीन करूँगी। स्लो पे चाय रखती थी ताकि मैं मेरा बर्तन भी जाएगा, चाय भी धीरे धीरे पक जाएगी, फिर मम्मी को उठा देंगे। सो या थिंकिंग कि मैं मम्मी को उठाने से पहले ना नहा लेती हूँ और उसके बाद आराम से चाय पीती हूँ। गर्म पानी से ना मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं ये मेरे लिए गाजर रखा है सब घसने के लिए। गार्डन सब करने के बाद मैं अच्छे से 2 घंटे के लिए सो गई थी, बिकॉज मैं 5 बजे से उठी थी सर्दी की वजह से, और अभी भी सर्दी गई नहीं है, पता नहीं। ग्रेट, ठीक है, मैं बोलूंगी हाउ यू डूइंग ब्रो, तो बोलना ग्रेट 5-6 एंड गो हाउ यू डूइंग ब्रो। मैं कभी भी व्लॉग कर ही नहीं सकती, मेरे घर वाले पीछे बहुत आवाज़ करते हैं। सो या गाइस, आई जस्ट टुक बाथ राइट नाउ। आज है 31st of December, लाइक लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, और अभी मुझे जाना है बाहर। सो यस, मैं आपको भी दिखाऊंगी, और फिलहाल के लिए हेयर वॉश किया हुआ है। आई एम ऑल डन, आई एम ऑल रेडी, एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ये बहुत कैजुअल सा टॉप मैंने सिटी गर्ल से लिया था व्हेन आई वेंट विद पूर्वा फॉर शॉपिंग। यस, अभी चलिए फटाक से चलते हैं। एक्चुअली मेरा नाइट पे जाने का प्लान था, बट आज बिकॉज नाइट कर्फ्यू भी रहेगा एंड 31st है, तो बहुत ज़्यादा बुकिंग रहने वाली, तो वेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो इसलिए मैं दोपहर में जाके आ जाऊँगी। सो या कुछ बोल भी नहीं सकते, सॉन्ग बन जाता है। मगो मम्मी, यू नो व्हाट, व्हाट टीवी हो जाएगा मेरी शादी में।
So yeah guys, that's it for this video. आज का ये last skincare routine मैंने अभी just complete किया ये year का and आपको मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ नए साल के साथ like new video के साथ and this is the last video for this year and thank you so much for watching all of my videos, मेरे vlogs, मेरी makeup video shorts and everything. Thank you so much from bottom of my heart and ऐसे ही प्यार आप मुझे next year भी दीजिएगा. So yeah, please do like, share and subscribe to my channel. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी एंड आपको मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ. टिल टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल.